जय उत्थान वैश्व मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर सुदूषित खबर आपका अपने चैनल वैश्व पॉइंट्स खबर कलजीखाल ब्लॉक से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व विधायक पौड़ी मुकेश कौली कलजीखाल प्रमुख बीना राणा प्रदेश प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा जिला महामंत्री भाजपा के शशि रतूड़ी जी और हजारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए अब की बार 400 पार का नारा लगाया। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल ने। देखिए क्या कहते हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे। सर जैसे कि आज आप चुनावी भ्रमण कार्यक्रम में कलजीखाल ब्लॉक में पहुंचे हैं तो यहाँ पे आपको कैसे रिस्पांस मिले और आगे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप दौरा चल रहा है तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? निश्चित तौर पर जनमानस के हृदय में देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बसते हैं और जब किसी के दिल दिमाग पर आदरणीय मोदी जी बसे हुए हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम क्या होने वाला है आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जब इस देश का रिजल्ट निकलेगा, इस चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में आदरणीय बलूनी जी सबसे ज़्यादा लगभग 500,000 मतों से भी अधिक मतों से आदरणीय बलूनी जी इस लोकसभा को गढ़वाल लोकसभा को जीतने वाले हैं। जैसे कि आप बोल रहे कि गढ़वाल लोकसभा जीत जाएंगे तो आगे की क्या रणनीति रहेगी उनकी? निश्चित तौर पर जो मूलभूत समस्याएं हैं और आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि ये मेरी गारंटी है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ये विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी ने इन 10 सालों में जो भी अभूतपूर्व काम किए हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, निश्चित तौर पर उनका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने कहा है उनकी गारंटी है तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप विश्वास रखिए आगे और भी बड़े अभूतपूर्व कार्य होंगे। जैसे कि आप तो यहाँ पौड़ी के हैं तो पौड़ी में प्लान सबसे ज़्यादा हो रहा है तो प्लान के बारे में या ये जैसे चकबंदी अगर हो जाती है तो चकबंदी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये राज्य सरकार के स्तर का मामला है क्योंकि इसको सेंटर तभी करेगा जब राज्य सरकार से यहाँ के प्रस्ताव जाएगा। चकबंदी होनी चाहिए लेकिन ये जन भावनाओं का और जनमानस का मामला है तो जब तक जन भावना और जनमानस इसके लिए प्रयासरत नहीं करेंगे उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा डिले होगा, देरी होगी। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के चुनाव प्रचार के बारे में? आज का जो ये चुनाव प्रचार हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे जिले के महामंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इस टाइम माहौल बना हुआ है। इस टाइम 400 पार का नारा जो है वो सत्य होने जा रहा है तो इस बार हम माननीय राज्य लोकसभा सांसद आदरणीय बलूनी जी को भारी से भारी मतों से जिताकर लोकसभा पहुँचाएंगे ताकि हमारे आने वाले प्रधानमंत्री को एक बार फिर हम सरकार बना सकें। राणा जी आज के चुनाव प्रचार के बारे में कुछ बोलिए। हम लोग सभी हमारे विधायक जी और महामंत्री जी सभी लोग आते हैं प्रमुख जी और आप देख रहे होंगे कितना भरपूर समर्थन क्षेत्र की जनता से मिल रहा है। सब लोग इस बार चाह रहे हैं कि अनिल बलूनी जी को यहाँ से सांसद बनाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार का नारा जो हमारे को इस बार है कि 400 पार हमारे सांसद इस बार 400 पर होंगे और हम लोग एक बार फिर दोबारा भारत सरकार में हमारे मोदी की सरकार में। तो जैसे कि आपका तो कलजीखाल से काफ़ी लगाव हो रहा है, आपको यहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं तो कलजीखाल के बारे में आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बाद? देखिए कलजीखाल में हमेशा विकास हुआ है और आपने देखा होगा हर तरीके से विकास की जो बाकी और काम होंगे हमारे जब सांसद जी बन जाएंगे तो और अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। एक संगठन से मिले पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। सर आज के चुनाव प्रचार जो आप कलजीखाल में पहुंचे हैं यहाँ पे इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला महामंत्री होने के नाते पूरे जिले में पूरा भ्रमण कर रहा हूँ और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिला है और हमें एक लक्ष्य भी दिया गया है और मैं तो इस विधानसभा को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्यसभा कार्यकाल में, अभी उनका राज्यसभा कार्यकाल कुछ दिनों का रह गया है और राज्यसभा कार्यकाल में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने योजनाएं दी हैं और केवल ये गढ़वा लोकसभा के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए
जो योजनाएं उनके दिमाग में और जो वो एक विजन लेके चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने लोकसभा प्रत्याशी, ये तो निश्चित है, जीत तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने जो विजन लिया है उस विजन को लेकर जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी गढ़वाल लोकसभा में कि वो उस विजन को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य नहीं रहता कि जब चुनाव आए तभी हम चुनाव में काम करेंगे, नहीं, हमारा एक एक पन्ने का एक एक पर्व, हमारे 30 आदमियों पे एक आदमी लगा हुआ है और वो पूरे रूप से निष्ठा से कार्य कर रहा है, और उसी निष्ठा को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमें 5 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, दिया गया है, उससे हम 5 लाख से ऊपर इस लोकसभा को पार करेंगे। और निश्चित है आदरणीय बलूनी जी 5-5.5 लाख मतों से इस लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।